नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। पिछले 48 आवर्स से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण राजधानी रांची की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी हम मौजूद हैं हीनू में, जहां पर मंत्रियों के आवास भी यहां पर मौजूद है। यहां से काफ़ी सारे मंत्री प्रोजेक्ट की ओर जाते हैं, लेकिन कल से ही ये पानी यहां पर जमा हुआ है, जो आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहां पर है। और यहां पर ट्रैफिक जाम भी सुबह से लगा हुआ है, लोग धीरे धीरे करके ही आना जाना कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी यहाँ पर एक टैंकर ला करके पूरे पानी को उस टैंकर में जमा करने का काम किया जा रहा है, कि यहाँ से जल जमाव को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। लेकिन कल से यह जाम लगातार इसी तरीके से है। कल यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ से जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसको लेकर के अभी तक जो भी बातें सामने आ रही थी कि अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा था इसके कार्य के लिए, लेकिन अभी जा करके यह टैंकर यहाँ पहुँचा है और पानी को जमा किया जा रहा है। आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं कि जितने भी गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। सुबह से ही यहाँ पर जाम लगा हुआ है, लोगों का आवागमन कहीं ना कहीं थोड़ा सा थम सा गया था यहाँ से आने जाने में। टू व्हीलर्स गाड़ी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ से जा रहे हैं। आगे में ही एक पेड़ भी गिरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। और डाइवर्शन भी दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ से कुछ देर पहले VIP गाड़ी भी पार हुई, लेकिन उन्हें इस जाम का सामना नहीं करना पड़ा। वो दूसरी रोड से जो हमारे इस तरफ है वहाँ से वो पार हो गए, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आम जनता को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।